हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सोनी चतुर्वेदी और मेरे चैनल में आज आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ पैंट का कटिंग करने का अच्छा सा डायग्राम, जो कि बहुत ही सरल तरीके से है, जो नौसिखिए हैं उनको भी आ जाएगा और जिनको सिलाई आती है और उनको कुछ डाउट है आसन की लंबाई से लेके बैक साइड पार्ट के लिए, वो सारा दूर हो जाएगा इस डायग्राम को देखने के बाद और समझने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये सारा का सारा पूरा मैंने पैंट का मेज़रमेंट निकाला हुआ है, ठीक है। ये मैंने अपनी भाषा में लिखा है, मैं आपको बता रही हूँ ना, जो मैं समझती हूँ मैंने उस तरीके से लिखा है। आपको कैसे समझ में आता है वो आपको डायग्राम बनाना है, क्योंकि आप दूसरे का बनाया हुआ जो डायग्राम है ना, वो उसकी ज़बानी समझेंगे, जो कि समझने में काफ़ी दिक्कत आती है। जब आप अपनी ज़बानी सुनेंगे दूसरों की ज़बानी और बना के अपनी ज़बानी लिखेंगे ना, तो वो खुद आपको ज़्यादा कुछ समझ में आएगा। जब भी आप पैंट सिलते हैं आपको बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे आपको कोई बताए हर तरीके का, मतलब जितनी आप वीडियो देखेंगे ना, उनमें सब में अलग अलग तरीके का बताया होता है। वो इसलिए बताया होता है क्योंकि देखो, बहुत मुश्किल से ही भगवान का दिया हुआ किसी को एकदम इक्वल फिगर मिलता है, चारों तरफ से एक है ना। बाकी ज़्यादातर देखो, किसी का पेट आगे है, किसी का हिप आगे है, कोई नाटा है, कोई ज़्यादा लंबा है, तो कुछ न कुछ दिक्कत हो जाती है। तो जो स्टैंडर्ड माप होता है ना, स्टैंडर्ड माप में सारी जो नाप होते हैं ना, वो एक माप मिलने के बाद कमर के पूरा सेट हो जाता है। लेकिन जैसे मैं अपनी बताती हूँ, मेरा पेट आगे है, हिप कम है, लेंथ है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, सारी चीज़ें बदल जाती है। जैसे अब मैं सोचूं कि बस मैंने एक हिप का नाप निकाला और एक लेंथ, उससे मैं पूरा पैंट अच्छे से सिल लूँगी एकदम स्लिम वाला, तो वो पॉसिबल नहीं है। उसमें सारी चीज़ें बदल जाएगी और सारी पैंट जब आप सिलते हैं ना, तो मैंने जब जितना अभी तक सिला है उसमें मैंने एक ही चीज़ पाया है, जब तक आपका आसन की जो लंबाई है और जो गोलाई तो फिर भी चल जाती है, आसन की लंबाई जब तक सही नहीं निकलती है ना, तब तक पैंट आपका सही नहीं आता। वो क्या होता है, जब आप पहनते हो तो बीच में से श्रिंक होकर ऊपर चढ़ जाता है, जो कि देखने में बिल्कुल गंदा लगता है। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, पैंट एकदम आसानी से सिल लोगे आप, बस आप आसन का जो ये फंडा है ना वो समझो। देखो, आसन निकालने के भी दो तरीके होते हैं। पहला कौन सा तरीका होता है कि जो आपका हिप होता है ना, उसका आप 1/3 कर लो, ठीक है ना। जो आप उसका 1/3 कर लोगे तो आपको आपका आसन मिल जाएगा। पहला तो ये तरीका हो गया। और उससे भी इजी जो तरीका है ना, वो ये होता है कि जैसे कि आपकी लंबाई जो है, जैसे आपकी पैंट की लंबाई है 40, उसको आप चौथा भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10। चौथा भाग करना है हम लोगों को, इधर लिख देती हूँ, आपको समझेगा ज़्यादा अच्छे से, चौथा भाग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 10। 10 में आपको क्या करना है, +1। 2 भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पर +1 में आपको इसलिए बोल रही, मैं तो +2 लिख रही हूँ और +1 में आपको इसके लिए बता रही हूँ कि पतला दुबला इंसान है तो +1 ठीक है, अगर पतला दुबला नहीं है, थोड़ा हेल्दी है, तो वहाँ पे आप 2 कर लें, तो उससे जो आएगा वो आपका आसन का ये क्या बोलते लंबाई हो जाएगा, जैसे कि इधर पर आ गया 12, ठीक है ना। और देखो, यहाँ पे भी मैंने आपको क्या बताया है, देखो लेंथ कितना है, 40 है, और हिप का मैंने उसको 1/3 किया तो क्या आ गया, 2। तरीका वही है, उतना ही आ जाता है। अभी आप बोलेंगे, आप तो कह रही है +1 करो या +2 करो, मैंने +1 कब बताया है, जब पतला दुबला इंसान है, और अगर मोटा है मतलब उसका हिप चौड़ा है, तो उधर आप 2 ले लें, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर ये भी मेंशन किया है, देखो हिप 36 है ना, ठीक है ना। लेकिन क्या है, अगर मान लो लेंथ, देखो लेंथ 40 होती तो ज़्यादा करके हिप कितनी बार चौड़ी भी होती है, तो उधर पे आप 2 ले लें, और ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। हेल्दी होगा तो वो जाके वैसे ही फिट हो जाएगा, पतले दुबले में अगर आप 2 ले लेंगे तो वो ऊपर उचक के आ जाएगा, तो जो अच्छा नहीं लगेगा। ये होता है आपको आसन निकालने का सबसे आसान तरीका, ठीक है ना। बाकी स्टैंडर्ड माप जो है, मैंने आपको चार्ट में दिखाया ही है, लेकिन वो सब पे नहीं चलता है, वो सिर्फ मैं बोल रही हूँ ना, जैसे कि रेडीमेड जो कपड़े होते हैं ना, उनके लिए वो सही होता है, ठीक है ना। और जो पतले दुबले हैं, जैसे आप रेडीमेड कपड़े लेके आते हैं, कितनी बार आपको बाजू लूज़ होता है या साइड का चाक लूज़ होता है, तो उसको अपने साथ फिट कर लेते ना, तो वैसा ही वो माप है कि जैसे अगर आप नया सिल रहे हैं, सीख रहे हैं, तो उस तरीके से सिलेंगे तो हो जाएगा, नो डाउट। लेकिन एक प्रोफेशनल तरीका जो है वो इस तरीके से ही होता है। अब यहाँ पर ये चीज़ को आप समझिए, जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये आपको समझनी है कि ये क्या है ना। अरे नॉर्मली तो पैंट में सीधा होता है, यहाँ पे भी यही है कि पतला दुबला जो इंसान होता है वो अगर इस तरीके से करेगा, समझ रहे हो, सीधा कर लेगा, तो बैठने पे पीछे से नहीं सरकेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी पापलेट मच्छी जैसा है लेकिन मेरे जैसा हेल्दी इंसान है
तो वहाँ पे आपको जहाँ पे आसन होता है ना, आसन की देखिए यहाँ पे बता रही, आसन की जो गोलाई होती है उस साइड से आपको 2.5 बढ़ा देना है, और ना कि यहाँ से बल्कि इस साइड से भी जहाँ से आपने आसन लगाया है ना, आसन का निशान, वो भी आपको यहाँ से 2.5 बढ़ा देना है। एक बार इस तरीके से पैंट सिल के देखिए, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आते हैं हम लोग ये टक्स की तरफ। तो जो ये टक्स देख रहे हैं ना आप, ये अपने हिसाब से आपको लेना होता है, ज़रूरी नहीं है कि जैसा इसमें दिखाया है मुझे वैसे ही लेना है। आप यहाँ से 3 इंच का मतलब गैप करके 1.5 इंच का मतलब चौड़ाई समझ, एक मिनट समझिए पहले चीज़ों को। ये जो आपका क्रीज लाइन है ना, ये वाला, इससे आपको 3 इंच इधर छोड़ना है, और जो ये जो लंबाई है ना, ये 5 की आती है, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है 5 सेंटीमीटर की, ठीक है। और ये है ना 1.5, दोनों को मिला के आपका होना चाहिए, ऐसे मोड़ने पे 1.5 आना चाहिए, ऐसे करके आपको ये टक्स लगा देना है, सकरा करके ऐसे इस तरीके से आपको ये टक्स लगा देना है, ठीक है ना। तो ये हो गई इसकी बात। अब हम लोग आते, आसन आपको मिल गया, ये इस साइड का आपको मिल गया, आसन की गोलाई मिल गई, यहाँ से भी आपको 2.5 बढ़ाना है। ये पूरा पार्ट बैक का है, जो ये बढ़ेगा ना सिर्फ बैक के लिए बढ़ेगा, 2.5 जो है ये वाला पार्ट, और ये 2.5 जो पार्ट है सिर्फ बैक साइड के लिए बढ़ेगा। जब भी आप फ्रंट का निशान लगाएंगे उसके पहले ही आपको ये छोड़ना होता है, ठीक है ना, कपड़ा उसके बाद नहीं आप छोड़ सकते, क्योंकि आप ऊपर से लगाना निशान शुरू करते हैं तो उस समय क्या हो जाएगा, ये बेकार हो जाएगा। तो पहले आप ऊपर से शुरू करें, ठीक है। दूसरी अब बात आती है यहाँ पे, दूसरी क्या तीसरी जो भी आती है समझिए, ये गिदरी, जिसको जो घुटने के पास जो आता है ना, घुटने से ऊपर की जगह, तो देखो स्टैंडर्ड में आपकी भाषा में बता दें तो जो पतला दुबला है उसके लिए 16 से 18, ठीक है, सॉरी देखिए पतला दुबला इंसान है उसको 16 से लेके 18 तक गिदरी है, ठीक है, स्टैंडर्ड माप बता रही हूँ मैं आपको। लेकिन वही हेल्दी इंसान है, लंबा चौड़ा इंसान है, तो उसका वो 19 तक जाता है, 19 से 20 तक, ये स्टैंडर्ड माप होंगे। दूसरा तरीका ये है कि आपको क्या करना है कि जो आसन है ना आपका, ये वाला आसन से आपको 5 बढ़ा देना है, समझ रहे हो, आसन जितना आपका रहेगा उससे आपको 5 बढ़ाना है। अब हम आते हैं बॉटम की तरफ। ये जो बॉटम है, बॉटम आपको अपने हिसाब से लेना होता है, जैसे किसी को चाहिए 3 तो इस साइड से भी 3, इस साइड से भी 3, मतलब 6, समझ रहे हो, मतलब 3 चाहिए का मतलब पूरी जो गोलाई है वो 12 की है, तो क्रीज लाइन से आपको हाफ ऑफ करना पड़ेगा ना, और मार्जिन तो अलग आपको छोड़ना पड़ता है जितना आपको चाहिए। लेकिन मेरा ऐसा मानना है सलवार में अपने हिसाब से मार्जिन छोड़ो, पैंट वगैरह में कम ही मार्जिन रखो तो फिटिंग अच्छी आती है, नहीं तो फिर वो क्या होता है, जब आपका थाइस के तरफ जो सर्कल शेप आता है ना उसमें चीज़ें बिगड़ जाती है। तो जिस साइड से आपने आसन को ये दिया था ना, ये देखिए आसन को आपने 2.5 की वो की थी ना, मतलब गुलाई दी थी ना, जो मतलब गुलाई देने के बाद ये 3 वाला, ये तो 3 का रहता है गुलाई, और ये जो है ना ये पार्ट यहाँ का जो 2.5 बढ़ाया था ऊंचाई से लेके इधर पे, उधर पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आके 1.5 और इधर पे 1, गिदरी के पास 1.5 और इधर पे 1, इस तरीके से आपको ये पूरा पैंट का जो पार्ट है ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। किसी दिन मैं आपको पॉकेट लगाना भी दिखाऊंगी, बहुत इजी है, ऊपर से 2 इंच छोड़ना है, फिर 6 इंच के बाद यहाँ से 1/2 इंच, और इस तरीके से पॉकेट लगा लेंगे। ये बोलना बहुत ज़्यादा आसान है, मैं लगा के दिखाऊंगी। जब मैं सिलाई सिखाती हूँ तो इसके लिए मैंने डायग्राम रेडी किया था कि लोगों को मैं अच्छे से समझा सकूँ, और अब मैं सबको कहती हूँ कि अपनी भाषा में लिखो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक ले बाय।